मैं अहमदास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का थर्ड चैप्टर विद्युत रसायन, जिसमें से हम लोग बहुत सारा टॉपिक जो है इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है ना, ऑक्सीकरण विभव क्या है, अपचयन विभव क्या है, ये सब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम जो है इस वीडियो में हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजी बोर्ड में इसको क्या किया जाता है, क्वेश्चन जो है के रूप में इसको पूछा जाता है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है ये हमको जानना है। वैसे हमने इससे पहले दो प्रकार के चीज़ पढ़े हैं, एक पढ़े हैं ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव जो हम लोग कल देखे थे या इससे पहले वीडियो में देखे थे, और एक होता है हमारा अपचयन विभव, अपचयन विभव। तो ये दो विभव पढ़े थे हम लोग, है ना। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, यदि किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, तो उस स्थिति में ऑक्सीकरण विभव के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग कल देखे थे कि यदि किसी छड़ को उसके अपने ही विलयन के या अपने ही आयन के विलयन में जब क्या कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है, तो धातु की जो क्या होता है, छड़ होता है, ये क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात, इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात ये हमारा जो आयन बनता है, ये आयन क्या होता है आपका, विलयन में चला जाता है। ये किस में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो छड़ में क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार से जो छड़ होता है वो, और यहाँ पर जो विलयन में गया हुआ जो आयन होता है वो, अर्थात विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, अगर उस इलेक्ट्रोड विभव के प्रक्रिया में अगर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस स्थिति में उसको ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसे अपचयन विभव कहते हैं। जैसे अपचयन विभव में हमने कॉपर का देखा था भाई, यहाँ पर कॉपर की छड़ को अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, डुबा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से दो प्रक्रिया होता है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। लेकिन आजकल जो है अब ऑक्सीकरण विभव का उपयोग न करके हम केवल क्या करते हैं, अपचयन विभव का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, चाहे उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रहा हो चाहे अपचयन की प्रक्रिया हो रहा हो। अब जो है उसके लिए हम लोग सिर्फ अपचयन विभव को ही क्या करते हैं, उपयोग लाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मान लो जो धातु है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसके लिए अगर बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि धातुओं का अपचयन विभव क्या होता है, कम होता है, मतलब कम अपचयन विभव वाला बोल सकते हैं। और अधातु जो होते हैं, है ना, उसका अपचयन विभव ज़्यादा होता है। तो अभी के डेट में हम क्या कर रहे हैं, केवल हम जो है अपचयन विभव का ही उपयोग करते हैं, ऑक्सीकरण विभव का उपयोग नहीं करते हैं। अपचयन विभव अगर कम है तो धात्विक तत्व है बोल सकते हैं, और अपचयन विभव अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग अधात्विक तत्व क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस तरीका से आज के डेट में हम लोग केवल किसका प्रयोग करते हैं, अपचयन विभव, एक ही वर्ड का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो है किसको समझाया जाता है, रासायनिक श्रेणी को हम लोग समझते हैं या समझाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग किसके ओर भाई, रासायनिक श्रेणी की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो कोई भी जो क्या होता है, हमारा जो धातु होता है, तो किसी भी धातु का जो क्या होता है, या किसी भी धातु छड़ का जो क्या होता है मानक, या किसी भी पदार्थ का जो क्या होता है मानक अपचयन विभव होता है। अगर मानक अपचयन विभव को अगर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जब क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। किसी पदार्थ के या किसी तत्व के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में क्या कर दिया जाता है भाई, अगर व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। आपको इस प्रकार से क्या करना है, आंसर को लिखना है। जैसे यहाँ पर मेरा जगह है, वहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, विद्युत रासायनिक हमको क्या देखना है, श्रेणी देखना है, तो लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या, किसी पदार्थ के या किसी तत्व के, किसी, यहाँ पर हम तत्व की ही बात करते हैं, किसी तत्व के या किसी धातु के, हम लोग बोल सकते हैं किसी तत्व, है ना, के मानक अपचयन विभव को, मानक अपचयन अपचयन विभव को, विभव को बढ़ते या घटते क्रम में, है ना, व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें करें, तो एक श्रेणी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो
एक श्रेणी प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है, इसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कही जाती है। विद्युत रासायनिक है ना श्रेणी कही जाती है या श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं भाई कोई धातु इलेक्ट्रोड है या धातु है या इलेक्ट्रोड है, उसके मानक अपचयन विभव को अगर हम क्या करें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें, तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है। यही क्या कहलाती है आपकी, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे तत्व होते हैं और सबका मानक अपचयन विभव क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो उनके मानक अपचयन विभव को अगर क्या कर दिया जाता है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में क्या कर दिया जाता है, अगर व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो श्रेणी है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। तो आप तत्व बोल सकते हैं, कोई धातु बोल सकते हैं, जैसे भी आप परिभाषा दे सकते हैं भाई। ये भी बोल सकते हैं कि किसी धातु के जो मानक अपचयन विभव है या किसी पदार्थ के मानक अपचयन विभव है, उसको अगर हम क्या करते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। वही श्रेणी क्या कहलाती है आपकी, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। और ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, यहां पर आपका क्या दिया गई है, ये जो है आपका स्क्रीन में क्या की गई है, इस प्रकार से दी गई है। जैसे यहां पर ये दिया है हमारा लिथियम, और इस लिथियम में देख रहे हैं कि इनका जो अपना जो भी मानक अपचयन विभव, इसका मान भी दिया गया है। इस प्रकार से जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर देखो मानक अपचयन विभव का मान क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे अगर हम धातु की बात करें और धातु की बात करें तो उसके आधार पर बढ़ती और क्या होती है आपकी, घटती है। जैसे पहले लिथियम है, फिर पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम है ना, ऐसे करके जिंक, क्रोमियम, और ये क्या होता है हमारा आयरन, कैडमियम, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन होता है जिसका मानक अपचयन विभव फिलहाल क्या होता है, जीरो होता है, ये उसके ऊपर वाला है और ये क्या होता है, इसके नीचे वाला होता है। तो इस तरीका से यहाँ पर दिया गया जो सारणी है, यही आपका क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के तत्वों का जो मानक अपचयन विभव है उनको क्या किया जाता है, जब व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये तो हो गया आपका विद्युत रासायनिक, क्या हो गया भाई हमारा, श्रेणी हो गया। अब ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, इस श्रेणी की अपनी की क्या होता है, विशेषता होता है, उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, समझना है, देखना है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या दिया है हमारा, यहाँ पर विशेषता दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा तो दोनों आएगा भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ये तो बोलेगा ही, साथ ही साथ इसकी विशेषता को समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन करता है। तो विद्युत श्रेणी, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसकी क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता तो ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ऊपर से क्या करते जाते हैं भाई, नीचे आते जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे जो अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होता है, वो आपका क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रोमीन होता है ये 17वें समूह का तत्व होता है और इनका अपचयन विभव क्या होता है, इसके अनुसार ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। बट उसका जो है अपचायक जो क्षमता होता है आपका, वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो इसके आधार पर देखा जा सकता है कि ब्रोमीन सबसे नीचे में है और इस ब्रोमीन का अपचयन विभव सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। अर्थात ये बोला जा सकता है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर जो भी हमारा जो तत्व है उनका जो अपचयन विभव है वो क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो इसको पहला पॉइंट क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि श्रेणी में ऊपर से, श्रेणी में कहाँ से भाई, ऊपर से नीचे आने पर तत्व के है ना, तत्व के अपचयन विभव यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तत्व के अपचयन विभव क्या होता है भाई, बढ़ती है। अपचयन विभव क्या होती है, बढ़ती है। तो हमने पहला पॉइंट लिख दिया यहाँ पर कि श्रेणी में जब ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते हैं, तो जो भी हमारा तत्व होता है उसका जो अपचयन विभव होता है वो क्या करते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, अपचयन विभव क्या होता है भाई, बढ़ता है।
तो ये हो गया विभव बढ़ता है। लेकिन अपचायक क्षमता क्या होता है भाई? कम होता है। लेकिन अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता क्या होता है आपका? कम होती जाती है। अपचायक क्षमता कम होता है, कम होता है। अपचायक क्षमता का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसकी जो क्या होती है हमारी अपचयन विभव तो क्या होती है? बढ़ती है। बट अपचायक क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। भाई अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या करेगा? देने की क्षमता कम होगा, और देने की क्षमता क्या होता है? अपचायक होता है। तो इसके आधार पर पहले विशेषता क्या की जा सकती है? लिखी जा सकती है। जैसे लिखा है कि श्रेणी में ऊपर से क्या करने पर भाई, नीचे आने पर हम देखते हैं तो तत्वों का जो अपचयन विभव है वो बढ़ता है, लेकिन उनका जो अपचायक क्षमता है वो क्या होता है आपका? घटता है या कम होता है। ये पहला विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या किया जा सकता है? विशेषता देखा जा सकता है। दूसरा, जैसे जैसे श्रेणी में क्या किया जाता है, ऊपर से नीचे आया जाता है, वैसे वैसे जो भी हमारे क्या दिया है यहाँ पर जो तत्व दिया है, ये तत्व की अगर हम जो है विद्युत धनात्मकता की बात करें तो वो क्या होते जाता है? घटते जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ऊपर हमारा क्या है? धन वाला है, धातु है, तो ऊपर का धनात्मकता ज़्यादा होगा और नीचे आएंगे तो धनात्मकता क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे हम श्रेणी में ऊपर से नीचे आते जाते हैं, विद्युत धनात्मकता गुण क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता गुण क्या होते जाता है आपका? बढ़ते जाता है। इसको क्या किया जा सकता है? सेकंड विशेषता में लिखा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से क्या करने पर भाई? नीचे आने पर धन विद्युती, धन विद्युती गुण, धन विद्युती गुण कम होते हैं, कम होता है ना? ऊपर से नीचे आते हैं तो धन विद्युती गुण क्या होता है? कम होता है। और ऋण विद्युती गुण, ऋण विद्युती लक्षण बोल सकते हैं, हाँ लक्षण बोल सकते हैं, यहाँ पर गुण को क्या कर देते हैं हम लोग? लक्षण में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धन विद्युती जो क्या होता है हमारा, जो लक्षण होता है वो क्या होता है आपका? कम होते जाता है। धन विद्युती लक्षण क्या होता है आपका? कम होता है। तो धन विद्युती लक्षण यहाँ पर कम होता है ना? तो लिख देते हैं, ऊपर से नीचे आने पर धन विद्युती लक्षण कम होता है या कम होता जाता है, और ऋण विद्युती लक्षण, और ऋण विद्युती लक्षण बढ़ता है। विद्युती लक्षण क्या होता है आपका? बढ़ता है। तो ये दूसरा क्या किया जा सकता है, इसकी विशेषता लिखी जा सकती है। कितनी विशेषता हो गया भाई? दो विशेषता। पहला कि ऊपर से नीचे आने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अपचयन क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अपचायक क्षमता क्या होते जाता है? कम होते जाता है। दूसरा, श्रेणी में ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते हैं तो धन विद्युती गुण क्या होते जाता है? कम होते जाता है। जबकि यहाँ पर ऋण विद्युती जो क्या होता है, लक्षण जो है आपका बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे धात्विक तत्व होता है। थर्ड नंबर की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट है ना, जैसे अपचायक गुण क्या हो रहा है हमारा? कम हो रहा है। मतलब जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे आने पर आक्षिकारक क्षमता क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। तो थर्ड पॉइंट लिखा जा सकता है, श्रेणी में ऊपर से है ना, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे क्या करने पर? आने पर आक्षिकारक क्षमता या आक्षिकारक गुण बढ़ते जाता है, है ना? आक्षिकारक गुण क्या होते जाता है भाई? बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है। विशेषता इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो बढ़ते जाता है ना? तो ऊपर से हम जैसे जैसे क्या करते हैं हम लोग, नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे ऊपर से नीचे आने पर जो आक्षिकारक क्षमता है वो क्या होते जाता है आपका? वैसे वैसे आपका बढ़ते जाता है। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? हम जानते हैं आक्षिकारक क्या होता है। तो आक्षिकारक वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और चूँकि नीचे
हमारा देख रहे हैं जो ब्रोमीन है, और ब्रोमीन 17वें समूह के तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर आपका आक्सीकारक क्षमता क्या होता है आपका यहाँ पर बढ़ते जाता है इसके अकॉर्डिंग ना, और अपचायक क्षमता क्या होते जाता है कम होते जाता है। तो इस तरीका से विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उनकी विशेषता क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। अगर इसमें हम फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में फिलहाल जो हैलोजनी तत्व की जो क्रियाशीलता है उनको यहाँ पर क्या किया गया है बताया गया है कि जो हैलोजनी तत्व है या जो हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व की क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो इसकी जो क्रियाशीलता होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है हमारा भाई, इसमें हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, और फिर क्या होता है हमारा ब्रोमीन, और उसके बाद होता है हमारा आयोडीन। तो इस प्रकार से इनकी क्या होती है क्रियाशीलता पाई जाती है। तो इस तरीका से विद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ विशेषता को क्या की जा सकती है बताई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछी जा सकती है भाई कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो अब बताना किसी पदार्थ या किसी धातु के जो भी मानक अपचयन विभव होती है उस मानक अपचयन विभव को अगर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में क्या कर दी जाती है व्यवस्थित कर दी जाती है तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी हम जो अभी लिए थे या आपके जो बुक में है वो आपका बढ़ते हुए क्रम में जैसे दिया गया है उसी क्रम में हम उसको व्यवस्थित किए हैं, और उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ इसके विशेषता हम लोग क्या कर चुके हैं देख चुके हैं भाई। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो इतना आपको क्या करना है लिखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद वो है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग देखेंगे भाई, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है उसको तो आपने जान लिया है ना, क्या होता है कैसा होता है, इसके बहुत सारे अनुप्रयोग दिया गया है जिसको हम लोग एक वन बाय वन करके पढ़ेंगे। जैसे एक दिया है हमारा EMF ज्ञात करना, EMF ज्ञात करना, ये पहला पॉइंट क्या किया गया है इसके अंतर्गत दिया गया है कि कैसे हम क्या करते हैं EMF ज्ञात करते हैं, विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है तो हम इससे हम लोग समझेंगे। दूसरा यहाँ पर आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या होता है, अर्थात यहाँ पर ये लिख सकते हैं एनोड और कैथोड जो होता है, एनोड और क्या होता है हमारा जो कैथोड होता है इसकी जानकारी, एनोड और कैथोड की जानकारी। ये दूसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं इसके अनुप्रयोग देखने वाले हैं, वैसे तो अनुप्रयोग बहुत सारा है हम कुछ को देखेंगे। तो ये हो गया EMF ज्ञात करने में, एनोड और कैथोड की जानकारी में हम बोल सकते हैं। थर्ड आक्सीकारक और अपचायक होता है, आक्सीकारक एवं अपचायक की जानकारी, अपचायक की जानकारी भी हम क्या कर सकते हैं इसके अनुप्रयोग में क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो दो तीन हम क्या करने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या देखने वाले हैं भाई, अनुप्रयोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है इसमें गैल्वेनी सेल, है ना, ये दिया है गैल्वेनी सेल के क्या ज्ञात करना, EMF का ज्ञात करना, मतलब विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है इसको पहला इसके अनुप्रयोग में रखा गया है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर जो EMF होता है अर्थात जो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है अर्थात विद्युत वाहक जो बल होता है इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखा जाता है भाई, ये लिखा जाता है ई कैथोड, कल भी हम लोग देखे थे या इससे पहले वीडियो में देखे थे, और ई क्या होता है हमारा एनोड। इस प्रकार से क्या किया जाता है इसको लिख करके इसी के माध्यम से किसी का EMF ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे दिया है ZN, है ना, ये ZN है, और ZN क्या करता है अगर दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये ZN बनाता है, ये मानक अपचयन विभव को शो कर रहा है, अपचयन विभव को शो कर रहा है। और एक और अगर हम ले लेते हैं, ये दिया है Ag और Ag प्लस होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है Ag का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखो दोनों अपचयन को ही शो कर रहा है ना, इसलिए तो ऑक्सीकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, अब हम केवल किसका प्रयोग करते हैं मानक अपचयन का ही प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही स्थिति में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पर इसका जो मान दिया है वो दिया गया है आपका, ये दिया है 0.7, कितना दिया है आपका 6 दिया है जो कि आपका माइनस में दिया गया है, और इसका जो मान दिया गया है वो आपका दिया है 0.7, कितना दिया है 9 दिया गया है। ये हमारा इसका क्या है हमारा कुछ मान दिया गया है, इस मान को ऊपर क्या करना है समीकरण में रखना है, और ये समीकरण में क्या है हमारा ई कैथोड और ई क्या है हमारा एनोड है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई कैथोड हो गया और माइनस ई क्या हो गया आपका एनोड हो गया।
अब ये किसके बराबर है हमारा, ई एम एफ के बराबर है भाई, ई एम एफ। अब यहाँ पर उस मान को रख दो। अब यहाँ पर कैथोड कौन है और एनोड कौन है उसको हमको देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्या होता है, ये जो जिंक वाला होता है वो आपका एनोड के जैसा व्यवहार करता है, और ये जो सिल्वर होता है वो कैथोड के जैसा व्यवहार करता है। तो उस स्थिति में इसका मान कितना है, 0.79 क्या है, 79 है, और ये माइनस हो जाता है, इसमें पहले से माइनस है और यहाँ पर एनोड के मान में भी क्या है, माइनस है। तो ये 0.79 कितना हो जाता है, 76 हो जाता है। अब इन दोनों को जब क्या कर दिया जाता है, ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाता है 0.97, ये हो जाता है प्लस, और ये 0.79 क्या हो जाता है, 76 हो जाता है। और इसका जो मान है अगर ज्ञात किया जाता है तो जोड़ दो इसको, कितना मान प्राप्त होता है भाई, तो ये हो जाता है 6 और 9 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, और 7 7 14 और 1 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। चूँकि 0.2 के बाद दिया गया है इसलिए इसका मान कितना हो जाता है आपका, 1.55 जो है वोल्ट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से गैल्वेनी सेल जो होता है उसका ईमेप जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग के आधार पर क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग और देखते हैं, ये है एनोड और कैथोड का क्या देखना है, अनुभव कैसे करते हैं। तो कैथोड और एनोड का भी अनुभव विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया गया जा सकता है, चूँकि इसमें क्या होता है, दो हमारा इस प्रकार से क्या होता है भाई, अर्ध सेल होता है। एक में हमारा एक क्या होता है, मान लो इसमें जिंक की छड़ और इसमें क्या है हमारा, इसमें जिंक सल्फेट की में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। इसी प्रकार ये क्या है हमारा, कापर की छड़, और कापर की छड़ किस में डूबा है हमारा, कापर सल्फेट में डूबा है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को अगर हम परिपथ से जोड़ देते हैं और यहाँ पर अगर लवण सेतु लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें एक जो छड़ होता है इसका जो अपचयन विभव होता है वो क्या होता है, कम होता है, और एक का अपचयन विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे इसका अपचयन विभव क्या होता है हमारा, निम्न होता है, निम्न अपचयन विभव बोल सकते हैं, निम्न अपचयन विभव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये क्या होता है हमारा, उच्च अपचयन विभव, उच्च अपचयन विभव, उच्च अपचयन विभव। तो इस प्रकार से अपचयन विभव, तो जिसमें क्या होता है, जो निम्न अपचयन विभव होता है वो हमेशा एनोड के जैसा व्यवहार करता है, और उच्च अपचयन विभव होता है वो क्या होता है आपका, हमेशा कैथोड का व्यवहार करता है। मतलब हम जो है ये देख करके बता सकते हैं कि दिए गए जो क्या होता है हमारा जो सेल है, उस सेल में कौन सा जो सेल है वो क्या करता है, निम्न विभव को शो करता है, और कौन सा उच्च विभव को शो करता है। अर्थात जिधर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाता है, वो निम्न विभव को शो करता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है वो उच्च विभव को शो करता है। तो हमेशा निम्न विभव वाला क्या करता है हमारा, एनोड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है वो हमेशा उसको क्या करता है, कैथोड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीका से कैथोड और एनोड का क्या किया जा सकता है, जानकारी इसके द्वारा लिया जा सकता है भाई। तो ये तो हो गया हमारा कितना अनुप्रयोग, दो अनुप्रयोग। अब हम क्या करते हैं, एक और अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावनाएँ। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है भाई, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है वही क्या कहलाता है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया की जो संभावनाएं हैं वो तब जो है प्राप्त होता है जब इसका मान धनात्मक में प्राप्त होता है। धनात्मक में मान प्राप्त होने पर ही रेडॉक्स अभिक्रिया की जो संभावनाएं हैं वो आपको दिखता है। और इसको भी वैसे ही निकाला जाता है भाई, जैसे हम लोग अभी लिखे थे ना कि ई एम जो एफ होता है इसके बराबर क्या होता है हमारा, इसके बराबर होता है ई सेल कैथोड, और ई सेल क्या होता है हमारा, एनोड होता है। तो उसी के बेस पर इसको भी क्या किया जाता है, निकाला जाता है, एक कैथोड होता है और एक क्या होता है आपका, एनोड होता है। तो उनके बेस पर ही इसको निकाला जाता है, और उसके आधार पर अगर प्लस में मान आता है तभी जा करके वो रेडॉक्स अभिक्रिया के संभावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। नहीं तो अगर माइनस में आ जाए तो फिर उसमें कोई मान नहीं है। आगे हमारा चौथा नंबर है वो है ऑक्सीकारक एवं क्या है हमारा, अपचायक जो प्रक्रिया है उसका भी जानकारी हमको विद्युत रासायनिक जो क्या होता है, जो श्रेणी होता है वहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। वहाँ से हम प्राप्त ज्ञान ले सकते हैं कि कौन ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार करता है और कौन अपचायक के जैसा व्यवहार करता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वैसे हम ये बोल सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड से
जिस इलेक्ट्रोड से है ना हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, वो अपचायक के जैसा व्यवहार करता है, और जिस तरफ क्या करता है इलेक्ट्रॉन जाता है वो अपचायक के जैसा क्या करता है, आक्सीकारक के जैसा व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये है कि कापर जो होता है और यहाँ पर जो जिंक होता है, जिंक के छड़ से इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाता है, कापर की ओर जाता है। तो ये जो जिंक की छड़ होता है वो किसके जैसा व्यवहार करता है, अपचायक का, और जिस तरफ जाता है मतलब कापर की ओर जाता है वो ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार करता है। अब यहाँ पर ऑक्सीकारक अपचायक की जानकारी यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ पर जानकारी से प्राप्त हुआ है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है, कौन होता है हमारा फ्लोरीन, अभी हम लोग जब चार्ट देख रहे थे तो नीचे हमारा ब्रोमीन था, ब्रोमीन के नीचे और लिखेंगे तो धीरे धीरे क्लोरीन और फ्लोरीन आता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक जो क्षमता होता है वो ऑक्सीकारक क्षमता किसका होता है भाई, फ्लोरीन का होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन है हमारा, सबसे विद्युत ऋण तत्व वाला तत्व कौन है हमारा, ये होता है फ्लोरीन होता है। और अगर हम लिथियम की बात करें तो ये क्या होता है, प्रबल अपचायक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रबल क्या होता है हमारा, अपचायक को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारा जो श्रेणी है उस श्रेणी के आधार पर क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है कि जो फ्लोरीन होता है, हम लोग जब चार्ट देख रहे थे तो सबसे नीचे में क्या था, ब्रोमीन था, ब्रोमीन के नीचे क्लोरीन आता, फिर फ्लोरीन आता। तो फ्लोरीन हमारे जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे क्या है, नीचे है, और नीचे जाता है तो अभी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है, अर्थात फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीकारक गुण वाला क्या होता है, तत्व होता है। और लिथियम सबसे क्या था, ऊपर था, लिथियम ऊपर होने के कारण एक प्रबल अपचायक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीका से विद्युत रासायनिक जो भी श्रेणी है उस श्रेणी से जो है आपका इस प्रकार के अनुप्रयोग को क्या किया जा सकता है, जो है बताया जा सकता है। और भी है जैसे आपका संक्षारण है उसके बारे में भी यहाँ से जो है जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही करते हैं, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उनका क्या हो गया, आपका एक अनुप्रयोग हो गया। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है भाई कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उनके विशेषता लिखे, या ये क्वेश्चन कर सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, जो है उनका अनुप्रयोग लिखे। तो इस प्रकार से आप तीन चार पढ़े हैं तो दो तीन तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता, विद्युत रासायनिक श्रेणी और उनका अनुप्रयोग। अब हम थोड़ा सा आगे जो टॉपिक है उसके ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक सेल हेतु नर्नष्ट समीकरण तथा इसका क्या देखना है, अनुप्रयोग देखना है भाई, है ना। रासायनिक सेल हेतु नर्नष्ट समीकरण तथा इसका अनुप्रयोग, इसको भी क्वेश्चन के तौर पर एक आध बार पूछा गया है ना सीजी बोर्ड में, तो इसको पढ़ लेते हैं। रासायनिक सेल क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, और नर्नष्ट समीकरण हमको देखना है। वैसे नन्ना समीकरण से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ पहले जिंक और कापर में बताया था, बट उतना उस समय वो नहीं था, अभी हमको देखना है नन्ना समीकरण द्वारा और इनके अनुप्रयोग। नर्नष्ट एक साथ वैज्ञानिक था भाई, नर्नष्ट एक क्या था, साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न ताप पर, ठीक है, भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न सांद्रता के जो क्या था हमारा जो विभव था, या भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों का जो विभव था, उनके जानकारी के लिए अपना एक क्या दिया, समीकरण दिया, और जिसमें मानक अपचयन विभव के लिए मान जो है 298 केल्विन और वायुमंडलीय दाब जो है आपका एक वायुमंडलीय दाब उन्होंने रखा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नर्नष्ट ने भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न सांद्रता वाले जो भी क्या था विलयन था, उनके विभवों का अध्ययन करने के लिए अपना एक समीकरण दिया, वह समीकरण नर्नष्ट समीकरण के नाम से जाना जाता है। और ये जो समीकरण होता है, या ये जो विभिन्न सांद्रता वाले जो क्या होता है अपचयन विभव होता है, उसमें में एक जिसमें एक मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है जिसमें ताप 298 केल्विन और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो एक वायुमंडलीय दाब के लिए भी क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो चाहेंगे तो इसको लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो नर्नष्ट, नर्नष्ट यहाँ पर लिख देते हैं, नर्नष्ट 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 है ना, नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न ताप पर
भिन्न सांद्रता के, है ना, भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न सांद्रता के, भिन्न सांद्रता वाले विलयन के, वाले विलयन विलयन के इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नरनष्ट समीकरण कहते हैं। मतलब ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि नरनष्ट ने अलग अलग ताप पर अलग अलग सांद्रता वाले विलयन के इलेक्ट्रोड विभवों को अध्ययन करने के लिए अपना ये क्या दिया, समीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, नरनष्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये लिख दिए हैं भाई, नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न सांद्रता वाले विलयन के इलेक्ट्रोडों के विभव ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोडों के किसको भाई, इलेक्ट्रोड के विभव क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नरनष्ट समीकरण कहते हैं। इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए ताप 298 केल्विन तथा वायुमंडली दाब 1 ATM होता है, 1 ATM रखा होता है या होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुल मिला के भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न सांद्रता के जो भी विलयन था उसका मानक अपचयन विभव को, या ये बोल सकते हैं कि जो विभव है उसको दर्शाने के लिए अपना समीकरण दिया है, जिसे हम नरनष्ट समीकरण कहते हैं। यहाँ पर नरनष्ट समीकरण को दर्शाने के लिए पहले यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर एम क्या होता है, हमारा एक धातु इलेक्ट्रोड होता है। ये धातु इलेक्ट्रोड क्या करता है, इसमें प्लस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक सॉलिड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसी के आधार पर नरनष्ट समीकरण को क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो ये होता है नरनष्ट समीकरण की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसके समीकरण को दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ई, और ये होता है आपका एम एन प्लस डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका एम इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रोड के लिए होता है, और अगर हम मानक के लिए देखा जाए तो यहाँ पर नॉट हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाता है एम एन प्लस डिवाइडेड बाई एम हो जाता है, और ये जो मान होता है माइनस आर टी अपमान एन एफ, और ये हो जाता है एल एन, और यहाँ पर हो जाता है आपका एम, है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका M जो कि सॉलिड अवस्था को शो करता है, डिवाइडेड बाई ये होता है हमारा M जो कि एक्वा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर यही समीकरण क्या होता है, हमारा नरनष्ट समीकरण होता है, जहाँ पर जो कुछ कुछ मान दिया है, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ क्या दिया है भाई, मान दिया है, उस मानों को या क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्या होता है एम जो एक्वा होता है, एम हमारा क्या होता है भाई, जो एक्वा है एम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम, ये क्या दिया है एक्वा, एम एक्वा, इसको जली विलयन बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है धातु आयन का मोलर सांद्रता बोलते हैं, मोलर सांद्रता कहा जाता है। अगर हम एम सॉलिड की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, धातु आयन होता है। अगर हम आर की बात करें तो ये क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है जिसका मान 8.314, है ना, जूल पर किलो पर मोल होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 298
98 केल्विन होता है, और अगर हम एफ की बात करें, फैराडे की बात करें, तो ये 96,500 कूलाम होता है। अब आगे यहाँ पर एलएन को लघुगणक में परिवर्तित करने पर, है ना, तो एलएन जो होता है जब उसको क्या किया जाता है, लघुगणक में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है गणक के आधार 10 में परिवर्तित करने पर। परिवर्तित जब किया जाता है तो इसका मान मिल जाता है आपका ई एम एन प्लस एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस, यहाँ पर हो जाता है इसका मान, जब उसको लघुगणक में परिवर्तित करते हैं तो इसका मान हो जाता है 2.303। ये हो जाता है आर टी, ये हो गया हमारा कौन सा भाई, हमारा आर टी, क्योंकि एल एन का मान जो होता है 10 आधार में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 आता है। नीचे क्या हो जाता है एन एफ, और यहाँ पर हो जाता है लॉग 10, और इस तरफ हो जाता है आपका एम सॉलिड, और इस तरफ हो जाता है आपका एम एक्वा। अब जितना भी मान रखे हैं उस मान को यहाँ पर रख देते हैं, आर का मान, टी का मान, एन के मान, एन का तो नहीं है, एफ का मान, तो हमको क्या मान प्राप्त होता है ई, ये हो जाता है एम एन प्लस एम इक्वल टू, ये हो जाता है ई नॉट, ये हो जाता है एम एन डिवाइडेड बाई एम माइनस 2.303। आर का मान कितना होता है 8.341, टी का मान कितना होता है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाई एन, एफ का मान होता है 96,500, ये हो जाता है लॉग 10, और यहाँ पर करेंगे तो एम एस डिवाइडेड बाई एम हो गया एम एस, और ये हो जाता है एम एक्वा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब सबको इतना को गुणा भाग कर दिया जाता है तो अंततः मान एम एन प्लस डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम इक्वल टू, ये प्राप्त होता है माइनस आपका 0.059 अपॉन एन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, और ये हो जाता है लॉग, इस साइड जाएंगे तो एम, और ये हो जाता है एस डिवाइडेड बाई, ये हो जाता है आपका एम, ये क्या हो जाता है भाई आपका, ये हो जाता है आपका एम, और ये हो जाता है एक्वा। अब इसी को एक तरीका से और लिखा जा सकता है, कैसे, तो ये हो जाता है ई एम एन प्लस डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू ई नॉट, ये हो जाता है एम प्लस डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10। ऊपर को बोलते हैं अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था बोलते हैं, है ना, और नीचे को बोलते हैं आक्सीकृत अवस्था, आक्सीकृत अवस्था। तो इस प्रकार से इसको और लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जिसकी सांद्रता इकाई में होता है, जिसकी सांद्रता, है ना, ठोस की सांद्रता में किसको में माना जाता है भाई, ठोस की सांद्रता को इकाई मान लेते हैं, ठोस की सांद्रता इकाई में मानते हैं, मानते हैं मतलब एक मान लेते हैं, तो अंतः हमारा मान क्या होता है, हमारा ई, ये हो जाता है एम एन प्लस डिवाइडेड बाई एम, ये हमारा अंतः मान क्या प्राप्त होता है भाई, ये हो गया आपका ई, ये हो गया एम एन प्लस डिवाइडेड बाई एम, है ना, इक्वल टू ये हो जाता है ई नॉट,
ये हो जाता है एम एन प्लस डिवाइडेड बाई एम, और माइनस में हो जाता है 0.0591, है ना जी, हो जाता है आपका 0.0591 अपॉन, यहाँ पर हो जाता है आपका एन, ये हो जाता है लॉग, और यहाँ पर हो जाता है वन, और नीचे आप जो है अपचयित अवस्था लिखना चाहेंगे तो अपचयित अवस्था लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एम एक्वा या अपचयित अवस्था लिखा जाता है, और यही जो है लास्ट में हमारा जो है नर नष्ट जो भी समीकरण है उसको क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो अगर आता है तो इतना सारा आपको निकालने की क्या होता है भैया होता है। अब यहाँ पर जिंक के लिए निकालेंगे और कापर के लिए निकालेंगे, तो ऊपर जिंक अगर होगा ऑक्सीकृत अवस्था में तो नीचे जिंक होगा और ऊपर कापर होगा। तो फिलहाल हम लोग अभी के लिए इतना ही करते हैं और इस तरीक़ा से नर-नष्ट समीकरण को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आने वाले वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक करने वाले हैं।